रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में बीते दिनों देर रात अगजनी की घटना से लाखों रुपए का नुकसान व्यवसाय और किसानों को हुआ। इस क्षेत्र का मुआयना करने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और खिजरी विधायक राजेश कच्चे पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी मुद्दा को उठाया जाएगा। विधायक इरफान अंसारी ने अपनी तरफ से कुछ पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद भी की। उन्होंने कहा कि ये एक घटना थी और ऐसी घटना दोबारा न हो, इसे लेकर के जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। रांची मेन रोड स्थित डेली मार्केट, जिसके कारण हमें लगता है कि पूरे शहर में सब्जी वगैरह जाता है, रांची को ये लोग संभालते हैं, और बहुत दुखद घटना है कि पूरे सब्जी मार्ट में आग लग गई और जिसमें करोड़ रुपया का लॉस हुआ है। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथी विधायक राजेश कश्यप जी हैं और यहाँ के सदर हैं, यहाँ के सब्जी मंडी की सेक्रेटरी हैं, सारे लोग यहाँ आए। हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना सही में कितना क्षति हुआ है, और आज सीएम साहब के साथ हम लोग की बैठक भी है। इस मांग को हम रखेंगे कि जो गरीब हैं, छोटे छोटे तबके अपने बाल बच्चों को पालते हैं, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसे लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और हो सकता है कि कल भी सदन में हम इस बात को रखें। नहीं, मैंने अभी अवेयरनेस के काम, अभी मैंने जो डेली मार्केट के जो यहाँ सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ इमाम साहब हैं, उनको कहा है कि आप लोग सेफ्टी ऑफ व्यू से अभी आप लोग अपना पर्सनली आप लोग वो रखते हैं, गैस वगैरह जो होता है आग लगने के लिए उसको रखिए आप लोग। और रही बात जब जागरूक का, तो यहाँ सारे लोग जागरूक हैं। अब ये घटनाएँ अचानक होती है, कोई लेके तो उस पर ही आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी ने लगाया नहीं, ये बड़ी बात है। हमें लग रहा था कि अल्पसंख्यक है, हो सकता है कि कुछ, अब जान ही रहे क्या माहौल है देश का, कहीं भाजपा के लोग आसपास तो नहीं है, वो लोग तो नहीं जला दिए, इसकी चिंता थी मुझे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे सुदूर गांव से भी लोग, अगर आप सुबह यहाँ पे भोर में 4 बजे आएंगे तो आपको सब्जी का मंडी मिलेगा। भोर में ग्रामीण जितने हैं यहाँ पे सब्जी को लेकर के लाएंगे, फिर यहाँ से पूरे रांची में रांची के बाज़ारों में यहाँ का सब्जी जाता है, यहाँ का फल जाता है, ये रोज़ का ही है। और ठीक है, एक घटना, इसको घटना कहा जा सकता है कि यह एक घटना है और दुखद घटना है। एक चीज़ है, अगर आप ये कहते हैं कि भाई निश्चित तौर से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार का भी नहीं है, लेकिन यहाँ रोज़ का है, रोज़ का मार्केट है, रोज़ का जिसको बाज़ार कहा जाता है, वो बाज़ार है। बाज़ार के किनारे में ही छोटी छोटी सीट का छोटा छोटा दुकान लोग लगाए हुए हैं, जिसमें रोज़ कितना सामान को लाएंगे तो वहीं पे लोग रख देते हैं, तो उसी का नुकसान हुआ। और यहाँ तकरीबन ये तो एक बाज़ार दिख रहा है, इस बाज़ार के माध्यम से सैकड़ों लोग अपना रोज़गार जीविका चलाते हैं। मंडी यहाँ बस दूसरे जगहों से, दूसरे शहरों से यहाँ सब्जी आता है, यहाँ से थोक विक्रेता कुछ लेता है, फिर यहाँ का थोक विक्रेता फिर उसको मार्केट में भेजता है। यही तो एक जो चैन है, उस चैन, ये चैन का एक मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। निश्चित तौर से आग लगा है, अभी डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाई ये सदन में भी हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि चूँकि ये गरीब लोग हैं और हमारी सरकार तमाम लोगों को, जब गांव देहात में हम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, तो ये भी तो हमारे हिस्से हैं, इस राज्य के हिस्से हैं, तो इनकी चिंता करनी भी सरकार का एक दायित्व बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, निश्चित तौर से हम लोग दो विधायक यहाँ पर आए हैं, तो कुछ हम अपनी बातों को एक सही आकलन के साथ में कि क्या इनका क्या मतलब इनको दिया जाए, कैसे मदद किया जाए, इनका नुकसान कितना का हुआ है, सही आंकड़ा मांगा गया है, तो दुकानदार साथी अपना आंकड़ा तैयार करके सही से, और ईमानदार लोग हैं, सही आंकड़ा देंगे। देखिए, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा 70-80 लाख रुपया का जला होगा बोला, लेकिन मैं आपको आकलन बता रहा हूँ कि कम से कम उससे ज़्यादा, उससे 2 गुना का जला होगा, लेकिन ये लोग उस चीज़ को आकलन नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, इसीलिए इनके मन में कोई फरेब है नहीं। हमारे दो विधायक आए हैं, जो भी इन बातें की हैं ये सत्य है, इसमें किसी तरह का मतलब कि समझाया हुआ या सोच बूझ से ये अपना सारे बात आप लोगों के सामने रखे हैं, वो एकदम बिल्कुल सही बात है। हमारे इस डेली मार्केट दुकानदार जितने भी हैं, कोई मतलब एक का दूगा पैसा वाला लोग है, सारे पैसे वाले लोग नहीं हैं,
रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई रोज लेके आ रहे हैं तो उनको रोज पेमेंट देना है, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान हुआ है और दुकान तो लगभग हम लोगों का काफ़ी चला है। इसमें हानि भी ज़्यादा है, इसमें हम मतलब एक कि मतलब हम लोगों का 70-80 लाख रुपए से ज़्यादा ही का नुकसान है, क्योंकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त हमारे किसान भाइयों का लगभग, अभी नया आलू का सीज़न है, कम से कम 2-3-4 गाड़ी तो इन लोगों का आलू भी यहाँ उतरा हुआ था, लहसुन वगैरह भी था, गाजर भी था, बीट भी था, शिमला मिर्चा भी था, लगभग 150 से 200 बोरा गाजर का भी था, इसमें लहसुन का भी 100-150 बोरी थी। फिर हमारे किसान भाई लोग जो रोज़ बाज़ार से लोग लेके आते हैं, उन लोगों का भी काफ़ी सब्जी वगैरह था। अभी दोनों विधायक पहुँचे हैं, क्या आपको आश्वासन दिया है? इन लोगों ने बात यही रखा है कि हमारे जितने भी दुकानदार थे उन लोगों से मिलें, उन लोगों का बात को समझें, और यही आश्वासन हम लोगों को दे करके अभी गए हैं कि हम लोग इस बात को सदन में रखे हैं और सरकार से जो भी होगा, जो सही ये होगा, हम लोग उसको आप लोगों को मुआवजा दिलवाने का कोशिश करेंगे।